उपस्थित राहणार होते, परंतु पोलीस महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वसई में महाराष्ट्र राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में मनसे के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जमकर हंगामा हुआ। हालांकि मनसे के दो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में 43 मार्गों पर चलने वाली 170 मनपा परिवहन बस सेवा लॉकडाउन के पहले से ही बंद थी और दोबारा शुरू करने के पहले चरण में आज 43 मार्गों पर 90 बसों की शुरुआत की जा रही है। अगले चरण में बढ़ाकर इसे 150 तक कर दिया जाएगा और इसका उद्घाटन मंत्री एकनाथ शिंदे ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया है। एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम के दौरान मनसे के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने मनसे के दो कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। आज परिवहन सेवेचा लोकार्पण सोहळा येथे पार पडला। या कार्यक्रमात आयुक्त देखील वसई विरार महानगरपालिकेचे हजर होते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे सुद्धा हजर होते। यांच्या समोर महाराष्ट्र सैनिकांनी घोषणाबाजी करतात। पोलिसांनी त्यांची धरपकड केलेली आहे। आपण पाहू शकता या ठिकाणी वसई विरार महानगरपालिकेचा परिवहन लोकार्पण सोहळा होता। मनसे आणि पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव या ठिकाणी उपस्थित राहणार होते, परंतु पोलिसांनी आधीच त्यांना अडवण्यात आलं। त्याच्यामुळे महाराष्ट्र सैनिकांनी या ठिकाणी जाऊन राडा केलेला आहे। पोलीस वाटले